वैसे तो न्यूयॉर्क में जो बाहर का मौसम है वो 1 मार्च से शुरू हो जाता है, लेकिन जो सही मानों में जो स्प्रिंग है वो आज है, आज 1st डे है। क्योंकि मार्च 1 में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आज जो है ना पहली बार जब से सर्दियां गई हैं पहली बार टेम्परेचर इतना अच्छा हुआ है कि आज आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने कोट पहना हुआ है, लेदर जैकेट पहनी हुई है। कभी कभी हवा चलती है तो आपको थोड़ी बहुत सर्दी लगती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बच्चे लोग आए हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। 1st टाइम आफ्टर विंटर ये किड्स का प्लेग्राउंड है और एम्यूजमेंट पार्क है असल में, प्लेग्राउंड तो नहीं है ये। तो यहाँ पे मैं अपनी प्यारी बेटी दैनब के साथ आया हूँ। What's that? Go.
कितने खूबसूरत बादल आए हुए हैं आज। Zainab, you want to go to the snake man? No. No? There are so many kids over there. Luna Park जो है यहाँ पे जो roller coaster है, अमेरिका की पहली जो roller coaster थी वो यहाँ पे बनी थी और ये park जो है वो तकरीबन 100 साल पुराना है। हिस्टोरिकल एम्यूजमेंट पार्क में से ये पार्क आता है। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स और होटल्स ऐसे हैं जो कि 100 साल पुराने हैं, मतलब नैटन है, नैटन हॉट डॉग है। दूर मुझे एक क्रूज ट्रिप भी नज़र आ रहा है। Dana, where are you going? दूर मुझे एक क्रूज ट्रिप नजर आ रहा है। ये सिक्योरिटी वाला बंदा है तो अभी इसने पूछा है कि हमारे से कि भाई कोई बच्चा जो है मिसप्लेस हो गया है, पिंक लेगिंग में है, आपने तो नहीं देखा? इधर इतने बच्चे हैं क्या पता चलता है, लेकिन हमने कहा नहीं भाई हमने नहीं देखा। थोड़ी हवा चल रही थी तो मैंने अपनी जो हुडी की अपनी ये जो कैप है ये निकाल दी मैंने कहा ताकि बॉडी थोड़ी गर्म रहे। सूरज भी आता जाता है, कभी बादलों में छुप जाता है और कभी बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है तो मौसम सही होता है, लेकिन जब छुप जाए तो सर्दी लगती है। यहाँ ये बच्चा पार्टी रेत में खेल रही है। ये जो जगह है ये मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे पानी की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही होती है। यहाँ पे जब आगे आप जाएंगे तो आगे भी पानी की आवाज़ कम हो जाती है, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे समुंदर का पानी, अटलांटिक सी का पानी ये ज़मीन को टच होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो मैं जब भी यहाँ पर आऊँ आई रियली लाइक इट, आई लव दिस प्लेस, ब्यूटीफुल। Thank you.
अभी थोड़ी हवा तेज चलने लग गई है, पहले सही थी लेकिन शायद अभी हम काफ़ी पानी में आगे आ गए हैं। जो ये जो डेक बना हुआ है, ये जो आपको सी के अंदर ले आता है, अभी शायद इसकी वजह से, मेरे ख्याल में इसकी वजह से थोड़ा तेज हवा चल रही है। This way? Where to go? You gotta show me where to go, okay? Oh, where to go? यहाँ पे जो लोग फिशिंग करने के शौकीन होते हैं वो लोग अपना वो लगा के बैठे होते हैं अपने। Get your phone out. Yeah, you could give her a fruit. No, I'm not gonna. I'm just. No, you could give her a blueberry. Dude, get your phone out. अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ के लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करना है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड के बाद न्यूयॉर्क सिटी बहुत बुरी तरह हिट हुआ। कोविड की पैंडमिक में बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए, बहुत सारे लोगों को अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुए, तो वीडियो बना यार, ये स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो मुझे स्ट्रोलर उतारना है। ओके, आई डिड अ गुड जॉब। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे आओ, लोकल बिजनेस को प्रमोट करूँ, ताकि यहाँ पे जो वेंडर्स हैं, हर तरह के वेंडर्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं। जैसा कि देखा, एक बंदे ने सांप पकड़ा हुआ है, अभी एक बंदा था इसने वो मेरे ख्याल ये रैकून पकड़ा था, पता नहीं कौन सा जानवर था, नेवला था, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन इस मतलब ताकि लोगों का कारोबार चलता रहे, लोगों का बिजनेस चले। मेन थिंग ये कि जो छोटे जो बिजनेस मैन हैं, जो छोटे जो वेंडर्स हैं, उनका काम चलता रहे। यहाँ पर बेशुमार ऐसे आपको मिलेंगे लोग जो चीज़ें बेच रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप उनसे चीज़ दें, ताकि उन लोगों का कारोबार चलता रहे और जो कोविड के बाद लोगों का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसको लोग किसी ना किसी तरह से उन फाइनेंशियल क्राइसिस से लोग बाहर आ सकें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।